बच्चों, आज हम इस वीडियो में 20 तक संख्या में शून्य जोड़ना सीखेंगे। आज गैफी घर की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही है। गैफी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी कि तभी फैनी ने गैफी से पूछा, गैफी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ कितने चम्मच हैं? गैफी ने कुछ देर सोचा और चम्मचों की संख्या को गिन कर कहा, माँ, यहाँ 12 चम्मच है। बिल्कुल सही गैफी, अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ कितने कटोरे हैं? गैफी ने इधर उधर देखा पर उसे वहाँ कोई कटोरा नहीं दिखा। क्या आप बता सकते हैं कि कटोरों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही, शून्य। जब कुछ भी नहीं होता है तो उसका मतलब शून्य होता है। गैफी, 12 में शून्य जोड़ कितना होता है? क्या आप इसका हल ढूंढने में गैफी की मदद करेंगे? जब भी हम शून्य के साथ एक संख्या जोड़ते हैं तो कुल संख्या का उत्तर शून्य के साथ जुड़ी संख्या के बराबर ही होता है, तो इसका उत्तर है 12। बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ कितनी प्लेटें हैं? गैफी ने प्लेटों को देखा और कहा कि 10 प्लेटें हैं। अच्छा गैफी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर कितने डब्बे रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माँ, 8 डिब्बे हैं। गैफी को अब कुल प्लेटें और डब्बों की संख्या बतानी है। क्या आप गैफी की मदद करेंगे? दोस्तों, हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को खड़े जोड़ के रूप में इस तरह लिख लेते हैं। अब हम सबसे पहले इकाई में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी शून्य में 8 को जोड़ेंगे। शून्य में 8 जोड़ कितना होता है? माँ, जब हम शून्य में किसी संख्या को जोड़ते हैं, तो कुल संख्या का उत्तर शून्य के साथ जुड़ी संख्या के बराबर ही होती है। तो हम यहाँ इकाई में नीचे 8 को इस तरह लिखेंगे। अब दहाई भाग के नीचे 1 लिखा है, तो हम इसे इस तरह यहाँ लिख लेते हैं। माँ, हमारे पास कुल 18 प्लेट और डिब्बे हैं। गैफी ने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न को हल करने की। यदि आपके पास 8 कटोरी और 10 गिलास हैं, तो आपके पास कुल कितने गिलास और कटोरी हैं? आप इसका उत्तर ढूंढकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 तक संख्या में शून्य जोड़ना सीखा।